सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 125 के बारे में, जो कि भाई ये गाड़ी इंडिया में टॉप सेलिंग में है। लेकिन भाई बहुत ही जल्द भाई जो बजाज की पल्सर लाइनअप है ये पूरी इंडिया में फ्लॉप होने वाली है, मानो या ना मानो, ठीक है। लेकिन भाई वीडियो में जो भी बताऊंगा उस पर गौर जरूर करना और बताना क्या आप मेरी बात से सहमत हो। तो भाई ये इस चैनल पे भाई पहली ऐसी वीडियो होने वाली है भाई जिसमें कि मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई पहले से माफ कर देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी ब्रांड समय समय पर अपनी गाड़ियों को अपडेट करते हैं, लेकिन बजाज जो है भाई ना अपनी गाड़ियों को डीग्रेड कर रहा है। मतलब कि भाई जो पहले जो भाई बजाज की पल्सर आती थी, इस गाड़ी में आपको DTSI इंजन मिलता था भाई, जिसमें कि आपको डुअल स्पार्क प्लग मिलता था, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती थी। साथ ही भाई जो प्लग है अगर एक खराब हो तो भी गाड़ी रन कर लेती थी। लेकिन भाई जब से ये भाई BS6 E20 कंपेटेबल इंजन आए हैं, तब से कंपनी ने बजाज की जो भाई पल्सर लाइनअप है 150, 125 प्लेटिना वगैरह में, तो भाई इसमें जो है बजाज ने डुअल प्लग हटा लिया। मतलब भाई DTSI अब आपको नहीं मिले भाई, ये गाड़ी आपको सिंगल प्लग के साथ मिलेगी भाई, जिससे कि भाई जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हल्का सा आपको फील होगा। आप लोग चाहो तो भाई जाकर शोरूम पर देख सकते हो, अगर आपके पास है तो आपको पता भी होगा। इससे जो है भाई इंजन की जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा कम हो चुकी है भाई। माइलेज आपको भाई अच्छा मिलेगा मान रहा हूँ, लेकिन भाई मेंटेनेंस और गाड़ी की पावर वो एकदम घटिया हो चुकी है। साथ ही भाई ब्रांड ने जो है गाड़ी का अलॉय भी जो है चेंज कर दिया भाई, जिससे कि गाड़ी के जो अलॉय है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं भाई। एक टाइम ऐसा था भाई जिस टाइम RS और NS के KTM के अलॉय बहुत टूटते थे, तो कंपनी ने उसे अपडेट किया। लेकिन भाई बजाज को वो चीज़ें फेस करने के बाद भी आइडिया नहीं रहा कि वो अपनी पल्सर में फिर से वही गलती कर बैठे हैं भाई। जो अलॉय व्हील है पल्सर 125 पल्सर 150 का भाई, वो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी यार भाई जो डिस्क ब्रेक के डिज़ाइन थे कंपनी ने वो भी ख़राब कर दिए भाई, पहले बड़ी आती थी वो भी अब छोटी कर दी। साथ ही भाई आपने गौर किया होगा भाई पल्सर 150 जो भाई ट्विन डिस्क आती है, पहले उसका जो सॉकर था वो बहुत ज़्यादा वाइड था भाई। मेरे पास भी है पल्सर 150 ट्विन डिस्क, जो कि भाई BS4 का लास्ट मॉडल है। लेकिन भाई आज जब भाई मैं जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने शोरूम पर, तो यार भाई मुझे ऐसी कोई भी 150 पल्सर नहीं मिलती है ट्विन डिस्क भाई, जिसमें कि उतना मोटा सॉकर हो। तो भाई कंपनियाँ जो है प्राइस को बढ़ा रही हैं, लेकिन जो भाई सामान की जो क्वालिटी है वो गिरा रही है। तो भाई बजाज वालों थोड़ा सा सुधर जाओ, अपनी गाड़ियों पर फोकस करो, पैसे पे कम करो। और भाई एक टाइम था कि गाड़ियों की जो भाई सर्विसिंग है और जो भाई गाड़ियों के पार्ट है और उनकी भाई जो मेंटेनेंस है वो आफ्टर मार्केट आप लोग इजीली कहीं पर भी करा लेते थे भाई, किसी भी गांव में हो, किसी भी हाईवे पे हो, किसी भी मोहल्ले में हो जाती थी। लेकिन भाई आज एक ऐसा टाइम है कि कोई भी शोरूम वाला भाई छोड़ के कोई अदर मैकेनिक आपकी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाएगा, क्योंकि भाई उन्हें वो समझ में ही नहीं है भाई। अब जो है FI आता है, चलो ठीक भाई FI दे रहे हो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार ऐसे ऐसे पार्ट को दे देते हो कि भाई वो मिलता ही नहीं है। कंपनियां जो है भाई अपने पार्ट को सिर्फ अपने शोरूम में बेचती है भाई। मेरे पास KTM के भाई 390 है, मैं जाता हूँ स्पेयर पार्ट लेने शोरूम पे, तो भाई वो साफ मना करते हैं भाई कि बाहर से ऑर्डर है, आगे से ऑर्डर है भाई, कि पार्ट मत देना। वो सिर्फ भाई आपको क्या देंगे, ब्रेक लीवर और गियर लीवर, इसके अलावा भाई आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है शोरूम से, चाहो तो जाकर एक बार पता कर लेना। तो यार भाई ये हालत हो रही है इंडिया में जो है बाइक और कार के मार्केट की, तो यार थोड़ा सा सुधर जाओ बजाज वालों और रेनॉल्ट वालों। बाकी भाई जो ब्रांड है हीरो वगैरह ये अपने पार्ट को बाहर दे देते हैं, और भाई हीरो वाले जो है काफ़ी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन बजाज वाले अपनी गाड़ियों को बिगाड़ के रखे हैं। अगर ऐसा ही रहा ना भाई तो बजाज की सेल फिगर डेफिनेटली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बजाज वालों थोड़ा सुधर जाओ और अपने काम पे कम, और जो भाई सर्विस नेटवर्क है ना उस पे ज़्यादा फोकस करो भाई। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात से सहमत होगे, लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं बाद में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।